पालघर में पश्चिम रेलवे के अंतर्गत भुज से बांद्रा आने वाली पैसेंजर में सुबह के दौरान सूरत पहुंचते ही पास होल्डरों और रिजर्वेशन सहित जनरल टिकट वाले यात्री के बीच कहासुनी हो गई। मामला बोईसर रेलवे स्टेशन पहुंचते गंभीर हो गया और आपस में भिड़ गए, जिसमें होल्डरों द्वारा दादागिरी नजर आई। वहीं यात्रियों का मानना है कि पास होल्डर बनाकर रेलवे को अपनी जागीर समझने वाले यात्रियों पर मारपीट करके डर दिखाने वाले गुंडे खुलेआम रेल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे गए, जिसके डर के कारण बाकी ट्रेन में सवारी कर रहे यात्रियों ने बोईसर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई गाड़ी रवाना होते ही घबरा गए। यात्रियों द्वारा S123 कोच और 8-9 डिब्बे में बार चेन पुलिंग करके ट्रेन रुकवाया गया। वहीं ट्रेन में झगड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। करीब 2 घंटों तक तमाशा चलता रहा। रेलवे पुलिस मुख्य दर्शक बन के तमाशा देखती रही, जिसके चलते 3 ट्रेन रोक दिए गए। वहीं RPF इंचार्ज महेंद्र सिंह GRP की मदद से गाड़ी के यात्री को उचित कार्रवाई सुरक्षा भरोसा दिलाकर गाड़ी को रवाना किया गया। पेश है बोईसर की यह खास रिपोर्ट। मैं इंस्पेक्टर RPF धनु रोड हूं। आपस में बैठने को लेकर वाद विवाद हुआ था और जिसको RPF, GRP, सिटी पुलिस ने मिलकर यहाँ समझा बुझा के गाड़ी को हमने यहाँ से रवाना कर दिया। सर, क्या यात्रियों का क्या कहना था, क्यों हंगामा कर रहे थे? हंगामा कारण ये है कि MST होल्डर उसमें चढ़ गए थे, स्लीपर कोच वाले वो अलाउ नहीं कर रहे थे। सर, कितना टाइम तक यहाँ पे ट्रेन खड़ी रही? हाँ, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास गाड़ी डिटेन। सर, अभी जो हंगामा करने रेल यात्री थे या जो भी घटना है, इसमें RPF ने अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की है? अभी इंक्वायरी चल रही है और जैसे भी हमको पकड़े जाएंगे और हम आपको बता दिया। इसमें किसी प्रकार की अभी तक कोई गिरफ्तारी हो? इसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर किया जा रहा है, इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी जैसे ही सामने तथा आएगा तो आपको अवगत करा। सर, ये पता चला कि कौन से डब्बे में हंगामा काफी हुआ है ऐसा कुछ? ये S1, S2, S3 और S9। और ऐसे कहाँ से चल रहा था हंगामा, इनका क्या कहना था रेला? ये इनका शायद बलसार से ही चल रहा था। इनको एक होल्ट मिला था 1 मिनट के लिए, तो उनका भाई जो MST वाले हैं उनको उतार दिया जाएगा और उसी होल्ट में इन लोगों ने पास होल्डर का चक्कर था, लफड़ा हो गया था। अपने को तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं तो मेरा हम लोग सौराष्ट्र से आ रहे थे तो गाड़ी काफ़ी लेट हो गई, फिर हम लोग को बीच में से रास्ते में से चल के आना पड़ा। तो ऐसे रेलवे का इसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, क्या रेलवे का क्या रेलवे सब ऑफिसर लोग भी ऐसे RPF बोले सब ऐसे है कि सुबह बलसाड़ में जाओ आप तो बलसाड़ में तुमको बिठाया हुआ आदमी पास वाले तो उनको उठा के बाहर निकाल देते हैं और खुद बैठ जाता है, उनकी दादागिरी चलती है। रेलवे प्रशासन को मालूम है, फिर भी वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं। पास होल्डरों का दादागिरी रहता है, नया आदमी जाएगा तो उसको बैठने नहीं देते हैं। रेलवे प्रशासन उस पर कुछ नहीं करते हैं, उनका मिली भगत होएगा, इसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं वो लोग।